धरती पर वो तापमान नहीं है जो भारतीय सेना के हौसलों को जमा दे, बर्फ का ऐसा तूफान नहीं है जो इनके सीनों से टकराकर चूर न हो जाए। वो ऊंचाई नहीं है जो इन्हें बौना बना दे, इनके हिम्मत के आगे पिघल जाता है बर्फ का पहाड़। इनके जोश की गर्मी से कांपती है सर्दियां, हार जाती है हर चुनौती। नमस्कार, इस श्वेत बर्फ के महासागर से मैं हूं श्वेता सिंह। कहते हैं किसी की चुनौतियों को, किसी की मुश्किलों को समझना है तो चंद पल उन मुश्किलों को जी कर देखिए। हम ये तो नहीं कहते कि हम उस चुनौती को अच्छी तरह समझ पाएंगे, लेकिन कोशिश यह है कि आपको हम कुछ हद तक समझा पाएं। इस वक्त लगभग अपनी कमर तक बर्फ के नीचे धंसे होकर हम उस माहौल को समझने की कोशिश कर रहे हैं जहां सरहद पर हमारे जवान निगहबानी के लिए खड़े रहते हैं, हमारे लिए खड़े रहते हैं। चलिए हमारे साथ मुश्किलों की, चुनौतियों की, लेकिन अदम्य शौर्य की उस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय दुनिया में। ये माइनस के तापमान में प्लस हौसलों की कहानी, वरना जिस मौसम में जिंदगी का हर निशान जम जाता है, हजारों फीट की ऊंचाई पर जहां सांस लेने को हवा कम पड़ जाती है, वहां ये जोशीले जवान दुश्मन से भी उसी जज्बे के साथ लड़ते हैं और मौसम को भी उसी जज्बे से परास्त करते हैं। आज हम आपको अपने हिम योद्धाओं के बारे में ऐसी अद्भुत बातें बताएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। इस ठंड में लोहा जमकर टूट जाता है, पर -50 से -60 तक गोता लगाती ठंड में बर्फ ही इनका घर है, बर्फ ही बिछौना, बर्फ ही जिंदगी, बर्फ ही मौत, बर्फ ही चुनौती, बर्फ ही मनोरंजन, बर्फ ही दोस्त। बर्फ के व्यवहार और इंसान की जीवटता के बीच का यह अद्भुत रिश्ता है। चांदी सी चमकती बर्फीली सतह पर किसी हवा के झोंके से तैरते, स्कीइंग करते इन जवानों को देखकर किसी को भी लग सकता है कि वाह, क्या अद्भुत सीन है। लेकिन इस सीन के पीछे कुशलता की वो अद्भुत ट्रेनिंग है जो शांतिकाल में इंसान को वज्र बनाती है और युद्ध काल में दुश्मन का काल। भारतीय सेना जितना दुनिया में किसी सेना के, वो ऐसी जगहों पर नहीं तैनात रहना पड़ता है। हम पहाड़ में भी रहते हैं, प्लेन्स में भी, जंगल में भी, हम रेत में भी और स्नो में भी। उसमें स्नो से पार पाने के लिए हौज की भूमिका। ये हाई ऑल्टीट्यूड के इलाके हैं, इन ऑल्टीट्यूड में स्पेशलाइज ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। और हमारा जो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है, ये पहाड़ों में, हाई ऑल्टीट्यूड में, ग्लेशियटेड टेरेन में किस हिसाब से लड़ना है, कैसे रहना है, मौसम के साथ कैसे दोस्ती करनी है, उसकी टीचिंग यहाँ पर, ट्रेनिंग दी जाती है। चाहे चीन से लगती सीमा हो या पाकिस्तान से लगती सरहद, दोनों ही सीमाओं पर हिंदुस्तान को चालबाजियों, चालाकियों और पाखंड का सामना करना पड़ता है। ऐसे में न चाहते हुए भी अपने जवानों की तैनाती करीब 20,000 फीट ऊंची बर्फीली चोटियों पर बनाए रखनी पड़ती है। कहते हैं पहाड़ों में जब लड़ाई होती है तो मुकाबले में वही भारी पड़ता है जो पहाड़ के ऊपर बैठा है। ऊपर बैठे व्यक्ति की ताकत नीचे वाले से 10 गुना अधिक होती है। और हिंदुस्तान की सेना ने यह सबक आजादी के साथ 1948 में पाकिस्तान के साथ हुई पहली जंग के दौरान ही समझ लिया था और खुद इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी थी। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल का निर्माण तकरीबन 1948 में हुआ था। उस समय हमारे जनरल करियप्पा साहब, जो GOC 19 डिवीजन थे, उनके नेतृत्व में इसका निर्माण हुआ। इस स्कूल ने तकरीबन सभी युद्धों में पार्टिसिपेट किया है।
करगिल युद्ध के दौरान भारत ने इस स्थिति का सामना किया भी था। पाकिस्तान ने ऊंचाई वाली पोस्ट पर कब्जा कर लिया था और वो वहां से भारतीय जवानों को लगातार निशाना बना रहा था। तब भारतीय जवानों ने सीधे खड़े बर्फीले पहाड़ों पर चढ़कर पाकिस्तान को मार भगाया था। दुनिया की तो बहुत ज्यादा दिलचस्पी रहती होगी ये जानने में कि कैसे खड़ी चढ़ाई होती है युद्ध के दौरान। और क्लिफ असॉल्ट अब देखिएगा, आप करीब 14-15 हज़ार की वर्टिकल पहाड़ों में दुश्मन के ऊपर विजय प्राप्त करना, तो उसके लिए क्लिफ में कैसे चढ़ना है, कैसे रोप फिक्स करनी है, किस हिसाब से फायर आएगा, कहां से हमारे योद्धा उन रोप्स को पकड़ के ऊपर जाएंगे। आज आलम यह है कि ऊंचाई पर जंग के लिए सर्वश्रेष्ठ रूप से तैयार रहने की जो ट्रेनिंग भारतीय सिपाहियों के पास है वो दुनिया में किसी और के पास नहीं। किसी समय हजारों फीट ऊंची सीधी बर्फ की पहाड़ियों पर चढ़ने उतरने में कई कई दिन लग जाते थे। हादसे की शक्ल में दूसरी तरह की चुनौतियां भी रहती थी, लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। बदलते वक्त के साथ बर्फीली बुलंदियों से टकराने का तरीका भी बदल रहा है और ड्यूटी को निभाने का अंदाज भी। छाती पर बिल्ला नंबर लगाए एक खिलाड़ी की तरह आगे बढ़ते हुए अगर आप इनको देखकर सोच रहे हैं कि इसमें अद्भुत क्या है, ये तो आपने कई दफा देखा है इस तरह की चीजें कि लोग स्कीइंग कर रहे हैं बर्फ में आकर, लेकिन अद्भुत यही है क्योंकि ये सीख ये नहीं रहे हैं कि बर्फ में मौज मस्ती कैसे करते हैं, बल्कि ये सीख रहे हैं कि जब इन्हें ऊंचे पहाड़ों पर अपने पोस्ट पर जाना हो या फिर किन्हीं भी परिस्थितियों में आपात स्थिति में नीचे जल्दी आना हो, आप जब तक पहाड़ी की चढ़ाई चढ़कर आएंगे तब तक कई दफा देर हो जाती है और इसीलिए ऊंची से ऊंची पहाड़ियां जितनी भी खड़ी चढ़ाई आप देखें उसको किस तरीके से अपने नियंत्रण में रखते हैं, अपनी मुट्ठी में रखते हैं, ये ट्रेनिंग उसी बात की है कि ये आसानी से इस बर्फ पर जहां पर कहीं भी आपका पैर धंस सकता है, कोई भी गड्ढा हो सकता है, कितनी भी गहरी खाई हो सकती है, उसको पहचान लें, उसको समझ लें और उस पर जीत हासिल कर लें। पहली नजर में ये तस्वीरें किसी विंटर कार्निवल या किसी सिनेमा की शूटिंग जैसी लग सकती हैं। सधा हुआ संतुलन, चौकस निगाहें, हाथों में बंदूक और सफेद कैमोफ्लाज, ऐसा आभास होता है जैसे बर्फ का ही कोई हिस्सा उठकर खड़ा हो गया हो और ये तस्वीर बना रहा हो। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, इसके कदम कदम पर मौत की गहराइयां हैं, बर्फीले तूफानों की जानलेवा चुनौतियां हैं, खाने के एक एक दाने का हिसाब है, पानी की एक एक बूंद के लिए जद्दोजहद। भारतीय जवानों के साथ दुनिया के दूसरे देशों से आए जवान भी हजारों फीट ऊंची पहाड़ियों पर सर्वाइवल का प्रशिक्षण लेते हैं। यहीं हमारी मुलाकात फ्रेंच आर्मी की मेजर नैटली से हुई। Did you find anything different, anything special? Here the school is a very operational school and in France we have got a training school more than an operational school. Did you pick up something interesting, something new, something special? I think all the students are very rustic. Very strong and in a very hard conditions that they try and they manage to go up and to make their mission. It's very very interesting. अगर फ्रांस की एक आर्मी ऑफिसर प्रशंसा में ये शब्द कह रही है तो इसके मायने समझिए। फ्रांस में न तो सुविधाओं का अभाव है न प्रशिक्षण का, फिर भी वो कह रही है कि वो भारत से सीख कर जा रही है। वैसे दुनिया की बाकी सेनाओं के लोग भी हौज आते हैं। भारतीय जवान हैं वो आगे जा रहे हैं, एक हमें बताया गया किर्गिस्तान के फौज के फौजी जो थे वो पीछे आ रहे थे, ये क्या डिफरेंस हो जाता है? हमारा फिजिकल फिटनेस जो है इतना है कि एक लोड लेके चलना अपना पूरा कम्बैट लोड के साथ, इतना स्प्रिट आज दिन तक किसी आर्मी का नहीं है जो हमने देखा है। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या है? ये नहीं कि किसी दूसरे को हराना है बल्कि खुद का, अपने भीतर का सर्वश्रेष्ठ हासिल करना है। और अगर इस फलसफे को आप समझना चाहते हैं तो भारतीय सेना से बेहतर आपको कोई जगह नहीं मिलेगी। दरअसल अगर इस बर्फीली हवाओं में भी आप इन चेहरों पर पसीना देख सकते हैं तो उसका मतलब है कि अपना सब कुछ उसमें झोंक दिया गया है। और वाकई जवान यहाँ ट्रेनिंग के दौरान अपना सब कुछ झोंक देते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी तरह मालूम होता है कि ये ट्रेनिंग ट्रेलर है, असली पिक्चर पोस्टिंग के दौरान दिखाई देगी। आमतौर पर जब कोई जवान सियाचिन जैसी हजारों फीट ऊंचाई पर तैनाती के लिए जाता है तो अक्सर उसका संपर्क दुनिया से जैसे कट सा जाता है,
वो दुश्मन से तो जूझता ही है, मौसम के बदलते व्यवहार से भी लगातार सामंजस्य बिठाता रहता है और ऐसी हर स्थिति से पार पाने के लिए उसे पहले अच्छी तरह प्रशिक्षित किया जाता है। पूरे ट्रेनिंग में हमें ये भी देखना है कि हम अपने जवान को मौसम के साथ कैसे दोस्ती करें। मौसम हमारा दुश्मन नहीं है, अगर हम कैसे मौसम से लड़ सकते हैं। हमने मौसम से दोस्ती करनी है, हमने अपने भूगोल, जो पहाड़ का भूगोल है, उससे दोस्ती करनी है और दोस्ती तभी होगी जब हम यहाँ रहें, इसके कल्चर को समझें। अहम बात यही होती है कि सैनिक को दुश्मन से लड़ने और मौसम से दोस्ती के लिए तैयार किया जाता है, क्योंकि तैनाती मोर्चे के भूगोल के हिसाब से मौसम का मिजाज भी बदलता रहता है। 100 मीटर अगर कोई सोल्जर चलता है तो वो 1 किलोमीटर के बराबर होता है प्लेन्स के। सो कॉम्बैट मोबिलिटी अगर आप कहा जाए तो यह सब साधन जैसे कि स्कीज हो गई, इन सबसे एक जवान को चलने में काफ़ी हद तक आसानी होती है, उसको थकान कम होती है और काफ़ी जल्दी समय में वो ए प्लेस से बी प्लेस तक पहुंच सकता है। स्कीइंग के जरिए शरीर का वजन एक साथ बर्फ पर नहीं पड़ता, जिससे पैर धंसता नहीं है और स्पीड होने के कारण कई घंटों की दूरी कुछ मिनटों में पूरी कर ली जाती है। आप स्कीज पर हैं और आप स्नो के ऊपर हैं और मैं स्नो के नीचे इस वजह से हूं क्योंकि मेरे पास वो उपकरण नहीं है अभी। बिल्कुल श्वेता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज स्कीज की मदद से एक ह्यूमन पर्सन का बॉडी वेट जो है वो 1/3 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑन स्कीज, जिसकी वजह से सॉफ्ट स्नो में चलने में काफी हद तक आसानी होती है। ये बर्फ पर्यटक नहीं है, ये हिम योद्धा है। ये 2 घंटे के लिए स्कीइंग करके मौज मस्ती के जरिए कुछ खुशी नहीं हासिल करना चाहते हैं, बल्कि एक बहुत लंबे सफर की ये तैयारी है कि किस तरीके से आप इस तरह के माहौल में जीना सीख सकते हैं और सिर्फ जीना नहीं, इस माहौल में लड़ना भी। इसीलिए अगर आपको संघर्ष नजर आता है तो वो संघर्ष भी आने वाले संघर्ष की तैयारी। बर्फ में निकलते हुए या तो हमारे सैनिक मोर्चा संभालने के लिए पोस्ट पर जाते हैं या फिर किसी ऑपरेशन के लिए। आइए हम आपको बताते हैं कि किसी भी ऑपरेशन के दौरान हमारे योद्धा किसके सहारे जाते हैं। यहाँ पे मेडिकल किट है, अल्टीमीटर है, ऊंचाई पता चलती है, इसका अल्टीट्यूड और विंड स्पीड का, विंड स्पीड का पता चलता है इससे। क्या है ये? भीसल है, इसमें कंपास भी है, कंपास वगैरह दिखाता है, ये भीसल भी है जिसके भीसल। अच्छा, कोई अगर बिछड़ जाए तो उसका इस्तेमाल कीजिए आप। ये वाटर स्टाइलाइजेशन टैबलेट है, जैसे हम बर्फ से पानी पिघला के बनाते हैं उसके दौरान इसको हम टैबलेट, पानी को साफ करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। एवलांच में जब हमारा विक्टिम फंस जाता है तो उस दौरान उसके कपड़े वगैरह उतार के तो उसकी बॉडी को ये लपेट दिया जाता है ताकि उसकी हीट लॉस ना हो। अच्छा। उससे ठंड से बचाया जा सकता है। ये भी स्पेशल एक इक्विपमेंट है जो कि एवलांच प्रोन एरिया को पार करते हैं। अगर हमारा विक्टिम जवान एवलांच की चपेट में आ जाता है तो अगर वो बर्फ के बीच में दब जाता है तो उसके दौरान ये क्या करता है कि कृत्रिम सांस देता है। एयर बैग सिस्टम है जो कि एक विशेष प्रकार का बैग होता है। जैसे ही एवलांच आता है, अगर हमारा जवान एवलांच की चपेट में फंस जाता है तो उस दौरान हम क्या करते हैं कि एक्टिवेशन हैंडल है, यहाँ पे एक कॉपलर होता है, इसको कॉपलर में फिट करने के बाद, कॉपलर में फिट किया जाता है। एक कॉपलर में फिट करने के बाद इसमें 8 kg का अगर खिंचाव आता है बेड पड़ने के बाद, इसमें क्या होता है, एक्सप्लोजिव फायर हो जाता है। एक्सप्लोजिव फायर होने के बाद जो गैस निकलती है, गैस क्या करती है, गैस पाइप के होती हुई पेंचर यूनिट में चली जाती है। यहाँ पे कार्ट्रेज होती है, इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और इसको लगा के जो पेंचर पिन होती है इसमें छेद करती है, जो उसकी नाइट्रोजन गैस होती है निकलते हुए गैस पाइप के होती हुई यहाँ पे सेक्शन यूनिट में आ जाती है, जिसमें ट्यून्स जो ब्लोअर होते हैं वो फूल जाते हैं। अच्छा। जिसके बाद जवान हमारा जो एवलांच के ऊपर रहता है और प्लॉटिंग करता रहता है। कुल मिलाकर कितना वजन हो जाता है? 25 से 30 kg तक हो जाता है। 25 से 30 kg लेकर हजारों फीट की ऊंचाई पर? हाँ, हजारों फीट की ऊंचाई पर हम क्लाइंबिंग करते हैं। मौसम दुश्मन नहीं है, मौसम से दोस्ती करना सीखना है। और आप सोचिए कि उसी मौसम के इस्तेमाल से ही यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था हुई है जहाँ पर जो हमारे योद्धा हैं वो रह सकते हैं कम से कम एक छत, अगर आप इसे छत कहें तो, ये छत सर पर जरूर रहती है क्योंकि इनकी ख्वाहिशें और इनकी ज़रूरतें इतनी कम होती हैं कि ये भी इन्हें अच्छा लगता है, बहुत आरामदायक लगता है।
बर्फ के बीच किसी तरह का निर्माण संभव नहीं, लेकिन लगातार गिरती बर्फ से बचने के लिए एक छत भी जरूरी है, तो बर्फ के अंदर ही बंकर की शक्ल जैसे निर्माण किए जाते हैं। इन्हें इग्लू कहा जाता है और 3 से 4 जवान इस एक बंकर में रह सकते हैं। जो बर्फ अभी तक चुनौती बनी हुई होती है, उसी बर्फ को कूट कूट कर उससे दीवारें बनती हैं और उसी कूटी हुई बर्फ से बनता है सैनिकों का गद्दा। जिस तरह से आप लोग हैं, इसमें एक साथ में 3 से 4 लोग आ जाते हैं? इजीली 3 से 4 लोग हम आराम से यहाँ पे स्टे कर सकते हैं एट ए टाइम। और ये बनाने में आप लोगों को कितना टाइम लगा है? लगभग 40 से 50 मिनट लगभग इस इग्लू को बनाने में टाइम लग जाता है इतना। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग जितने दिन रहे, मतलब जनरली कितने दिन तक ये लास्ट कर जाएगा इसी तरीके से? मैम इसमें हम 2 से 3 दिन तक रह सकते हैं, 3 दिन से ज़्यादा हम इसमें स्टे नहीं कर सकते। उसकी कोई वजह? ओ वजह ये है कि ये मतलब पिघलने लग जाता है। ऊंचाई वाले बर्फ के पहाड़ों पर हवाएं सबसे बड़ी दुश्मन होती है। कूटी हुई बर्फ का घनत्व इतना अधिक हो जाता है कि वो हवाओं को दीवार के पार नहीं आने देती, जिससे बाहर के तापमान के मुकाबले इग्लू के अंदर का तापमान अधिक रहता है और सर्दी से बचाव होता है। इस इग्लू के अंदर सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए हल्का खाना भी बनाया जा सकता है। तो इस तरह के इग्लू में आप लोग यहाँ खाना पका सकते हैं? हाँ, खाना बना सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ ऐसा अगर आपने बना लिया है तो उसमें गर्मा गर्म खाना मिल सकता है बाकी जगहों के मुकाबले? हाँ, गर्म गर्म मिलता है इधर। लेकिन ऐसा टाइम तो नहीं लगता है कि टाइम ज्यादा लगता हो स्नो की वजह से? टाइम तो लगता है थोड़ा सा। इग्लू जैसे बर्फ के घर सिर्फ सर्दी के सितम से बचाव ही नहीं करते, बल्कि जरूरत पड़ने पर इन्हें फायरिंग पोस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। नीचे इसके सिक्के और इसके स्टिक लगाई हुई हैं, ऊपर पंचु डाला हुआ है इसके ऊपर। हाँ, यदि जरूरत पड़ने पर हम एक आड़ के तौर पर भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कुछ घंटों की मेहनत से ये इग्लू घर तैयार हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी तूफान आने की सूरत में समय इतनी मोहलत नहीं देता कि बाकायदा बंकर जैसा एक घर बनाया जा सके। तब बर्फ के अंदर गड्ढा बनाकर कुछ मिनटों में उसे छुपने लायक जगह बना लिया जाता है, जिसे स्नो होल कहा जाता है। एक स्लोप में आप इस तरीके से, तो ये वार्म रहता है अंदर, गर्म रहता है? हाँ, क्योंकि इसका जो विंड चिल फैक्टर है वो उसका इफेक्ट नहीं होता, जो हवा लगती है हवा से बचाव होता है। इस बर्फ में खाने और पीने के पानी की जंग भी लड़नी होती है। बर्फीली वादियों की ऐसी अविश्वसनीय दुनिया से क्या आपके दर्शन करा रहे हैं, जहां हमारे योद्धा हमेशा रहते हैं। दरअसल पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे अद्भुत है तो वो है भारतीय सेना, क्योंकि ये पहाड़ पर भी है, ये जमीन पर भी है, ये जंगल में भी है, ये रेत में भी है, ये इस तरह के बर्फ में भी है। वाकई अद्भुत, अविश्वसनीय और कल्पनीय है। सनाते बर्फीले तूफानों के बीच जब जवान खड़े होते हैं तो सब कुछ सफेद दिखता है। वो जिन बर्फीली चट्टानों के बीच खड़े होते हैं, उनमें से कौन सी कब सैलाब में बदल जाए किसी को नहीं मालूम होता। शब्द जमने लगते हैं, बोल लड़खड़ाने लगते हैं, और ऐसे ही मौसम के बीच बिताने होते हैं रात और दिन, वो भी दुश्मन की निगरानी के साथ। देखने में बेहद खूबसूरत पर बहुत ही जानलेवा होती है ये बर्फ। यहां एक हरा पत्ता तक नहीं होता। ऊंचाई के साथ ऑक्सीजन की घटती मात्रा के कारण सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। तब शुरू होती है एक जवान के कौशल की परीक्षा, जो परीक्षा से अधिक अपनी जान बचाते हुए अपनी ड्यूटी निभाना होता है। बहुत बड़ी मुश्किल आती है पानी की, क्योंकि जहां सेब भी जमकर पत्थर की गेंद जैसा सख्त हो जाए, वहां पानी की बूंदें कहां मिलेंगी। प्यास बुझाने के लिए जो जद्दोजहद की जाती है वो भी अद्भुत है। पेट्रोलिंग के दौरान बर्फ के नीचे मौजूद पहाड़ी नालों को चिन्हित कर लिया जाता है, जरूरत पड़ने पर इसी का पानी इस्तेमाल किया जाता है।
जितने भी नाले वगैरह हैं जो कि स्नो से ढक जाते हैं, तो उस जगह पर हम एयर मार्क करके रखते हैं ताकि बर्फ को वहाँ से हटाया जाए। एक जगह पर पूरा का पूरा कैंप हमारा वाटर सोर्स के लिए एक जगह बनाया जाए। एक स्टरलाइज टैबलेट होते हैं जिसको प्योरीफिकेशन किया जाता है, सभी स्टूडेंट को जो किट दी जाती है ताकि वो एक लीटर के बीच में टैबलेट को डाला जाता है, उसको पूरा प्योरीफिकेशन करके ही पिया जाता है ताकि पेट की कोई बीमारी स्टूडेंट को किसी भी तरह से ना हो। तो यहाँ जहाँ हम हैं यहाँ पानी का कोई सोर्स है? जी, यहाँ पर एक छोटा सा नाला है जो कि अभी देखें तो पूरा बर्फ से ढका हुआ है। मैं ये भी बता दूं कि आमतौर पर जिसे हम नाला कहते हैं ये नाला वैसा नहीं होता है, ये सीजनल पानी के सोर्स की वजह से आप लोग नाला कहते हैं। जी है? जी जी है ना? तो ये नाला नहीं, गंदा नाला नहीं है, बल्कि यहाँ से पीने का पानी हो सकता है अगर आप करके दिखा सकें। ये स्नो का जितना भी बर्फ पिघला हुआ है वही पानी आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं जो कि बर्फानी नाला। हालांकि बर्फ को पिघलाकर पी लेना उतना भी सरल नहीं। जिस केमिकल का इस्तेमाल पानी को स्वच्छ करने के लिए किया जाता है वो लंबे समय तक प्रयोग के कारण अल्सर बन सकता है। ऐसा हो सकता है, कई कंडीशन में ऐसा देखने को मिला है कि उसमें आपको गैस्ट्रिक अल्सर होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर उसको टाइम से पेशेंट को इवैक्यूएट नहीं किया गया तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है। सबसे अद्भुत बात यह है कि एक जवान से लेकर जनरल तक इस प्रशिक्षण में माहिर होते हैं और वक्त पड़ने पर एक क्षमता के अनुसार कार्य कर सकते हैं। हर परिस्थिति में लड़ाई का तरीका कुछ अलग होता है। हर परिस्थिति में अगर गोलियां चलानी हैं तो उसका तरीका अलग होता है। पहाड़ों में अलग, समतल भूमि पे अलग, जंगलों में अलग। अब अगर यहां पर बर्फ है तो यहां भी परिस्थितियां अलग होती हैं। अव्वल तो आप ये देखते हैं कि जो इनका पहनावा है, जो कैमोफ्लाज है इनका, वो सफ़ेद है ताकि बर्फ में मिल जाए। दूर से अगर कोई देखने की कोशिश करे तो आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, कि कई दफ़ा कैमरे की नज़र से भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल घुल मिल जा रहे हैं इसमें। अब इन परिस्थितियों में आप स्कीज़ को लिए हुए, ये किसी सहारे को नहीं लिए हुए हैं, बल्कि ये इतनी आसानी से बंदूक को थामे बिल्कुल एक तैयार स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। कॉम्बैट मोबिलिटी यानी कि एक ऐसी परिस्थिति में लड़ाई के लिए आगे बढ़ना जहाँ पर संघर्ष की एक स्थिति हो, और उसमें देखिए कि किस तरीके से स्कीज को पहने हुए इस हद तक ट्रेनिंग हो जाती है कि स्कीज को पहने हुए, बंदूक को ताने हुए, इनकी जो चौकस निगाहें होती हैं वो पूरी तरीके से देखती रहती हैं कि कहीं इस सफ़ेद सैलाब में कोई दुश्मन तो नहीं है छिपा हुआ। बिल्कुल तैनात, सजग, तैयार। ज्ञान कहता है कि जिंदा रहने के लिए हवाओं में ऑक्सीजन का स्तर 20% से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ धुंधलाने लगेगा, सर चकराने लगेगा, दिमाग सुन्न हो जाएगा, धीरे धीरे इंसान ब्रेन हैमरेज या कोमा जैसी स्थिति में पहुंच जाएगा। लेकिन जिंदाबाद है हिंदुस्तान के हिमवीर, और जिंदाबाद है उनकी अद्भुत इच्छा शक्ति जो हजारों फीट ऊंचाई पर दुश्मन को तब भी ललकारते रहते हैं जब हवाएं बर्फ में जम जाती हैं और ऑक्सीजन का लेवल 10 से भी नीचे चला जाता है। वो तब भी बर्फीले पहाड़ों को अपने चट्टानी हौसलों से कुचलते हुए आगे दौड़ते चले जाते हैं जब तापमान 0 के 50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। विज्ञान की स्पष्ट चेतावनी है कि इस तापमान में अगर कुछ सेकंड को भी शरीर का कोई हिस्सा खुला रह जाए तो वो हमेशा के लिए बेकार हो सकता है। लेकिन इन हिम बहादुरों ने खुद की मिट्टी को न जाने कैसे इतना मजबूत कर लिया है कि दुश्मन की आहट पाते ही लोहे की बंदूकें हाथों में थामे बेधड़क उसकी ओर दौड़ लगा देते हैं, फिर तापमान -50 डिग्री सेल्सियस हो या उससे भी नीचे। ऐसे में जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसी के दौरान सर्वाइवल टेक्निक सिखाई जाती है, जिसका सीधा अर्थ होता है सीमित संसाधनों का इस्तेमाल तय दिनों से ज्यादा दिनों तक करना ताकि मुश्किल वक्त में जिंदा रहा जा सके। तीन दिन का राशन ले जाते हैं, लेकिन काम तो उससे कहीं ज्यादा हो सकता है, ज्यादा दिन आप फंस सकते हैं, फिर क्या करते हैं? खाना इज नॉट अ प्रायोरिटी फॉर अ सोल्जर। उसका काम है कि अपने टास्क को कंप्लीट करना। तो चाहे 3 दिन का राशन अगर वो कैरी कर रहा है, वो 4 दिन तक खींच सकता है, लेकिन द प्लानिंग
जो कि एक LRP की है, वो प्लानिंग कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए कि हम 3 दिन के पेट्रोल को 3 दिन से ज्यादा एक्सटेंड करें। जिंदगी को बचाने के सारे तौर तरीके हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की 5 हफ्ते की अद्भुत ट्रेनिंग के दौरान ही सिखा दिए जाते हैं। मानसिक तौर पर भी एक जवान को इतना मजबूत कर दिया जाता है कि वो विज्ञान के मानकों को ध्वस्त करके अपनी ड्यूटी पर निरंतर डटा रहता है। उस दौरान ही उसे पोस्टिंग के दौरान हो सकने वाली हाई ऑल्टीट्यूड बीमारियों से सचेत रहने और निपटने का अभ्यस्त बना दिया जाता है। जो सोल्जर्स कोर्स करते हैं उनको जो इंजरीज का जो सामना करना पड़ता है वो कोल्ड से रिलेटेड इंजरीज जो होती हैं, जैसे कि चिल ब्लेन और स्नो अर्टिकेरिया, फर्स्ट बाइट, स्नो ब्लाइंडनेस। इसके अलावा जो इंजरीज जो हॉज के अंदर हमको रूटीन में देखने को मिलती हैं वो हाइट से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, हाई अल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा। जहाँ भी बर्फ पड़ती है वहाँ पर एवलांच का खतरा होता है। दरअसल कई दफ़ा वेदर की तरफ से वार्निंग दी जाती है कि एवलांच है, लेकिन वो उतना सटीक नहीं हो पाता है और कई दफ़ा इतना कम समय होता है रिएक्शन के लिए कि कई जो हमारे जवान तैनात रहते हैं उन इलाकों में वो फंस जाते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियाँ होती हैं और तब उनके ही जो साथी होते हैं वो अपनी हिफाजत को, अपनी सुरक्षा को भूल कर और उसके बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए निकलते हैं, जो बहुत ही जटिल, बहुत ही कठिन होता है और बहुत ही टेक्निकल भी होता है। इसके साथ एक एवलांच रेस्क्यू टीम किस तरीके से काम करती है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश हो रही है। और बाकायदा जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो इस तरह का रहता है क्योंकि आपके पास गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है इस बर्फ में। बीता साल जाते जाते दर्द की ऐसी तस्वीरें दे गया था जिन पर पूरे देश की आंखें नम हो गई थी। 2017 की शुरुआत में जनवरी महीने में गुरेज सेक्टर में आए बर्फीले तूफान ने 20 जवानों की जान ले ली थी। गुरेज रेस्क्यू ऑपरेशन पर गई टीम के सदस्य हमें इसी हौज में मिले। बर्फ की हमारे जवानों से दुश्मनी ऐसी रहती है कि वक्त वक्त पर आए एवलांच में हम अपने जवानों को खोते रहते हैं। गुलमर्ग में 1 मेजर, गुरेज में 14, माछिल सेक्टर में 5 जवानों की समाधि हिमस्खलन में बन गई। 2017 जाते जाते ये दुखद हादसा फिर से घाव हरे कर गया। आपकी टीम अभी हाल में इन्वॉल्व थी गुरेज में जो एवलांच था, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस में। मैं समझना चाहती हूँ कि क्या मतलब होता है इसका, कितना समय लगा आपको, आप किस तरीके से जाते हैं, कैसे किया था? हम सब लोग गए थे वहाँ पे और उन 3 जवानों को रिट्रीव करके आए थे। जब हम लोग को यहाँ से ऑर्डर्स मिले थे मूव करने के लिए तो हम लोगों ने उस जगह के बारे में जानकारी ली थी कि क्या इलाका है, क्या सिचुएशन थी, क्या इंसिडेंट था, और उसके हिसाब से अपने इक्विपमेंट की सिलेक्शन करके हमारी पार्टी वहाँ पे हेलीकॉप्टर से गई थी और वहाँ जाके हमने सर्च किया और 6-7 दिन की सर्च के बाद हमको तीनों लोग मिल गए थे। हर बार हेलीकॉप्टर से पहुँचने का की गुंजाइश रहती है या कई बार आपको वहाँ तक ट्रैक भी करना पड़ता होगा? कई बार ट्रैक भी करना पड़ता है। इनफैक्ट हम लोगों को 2 रातें को बीच में रुकना पड़ा और हमने हमारी एक पार्टी गई थी नौगांव में भी, वो नौगांव की पार्टी जो थी उसने 20 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैक किया था। बर्फ की परिस्थितियों में 2 दुश्मन होते हैं, एक होता है वो दुश्मन जो सामने बैठा है, दूसरा है मौसम। और इसी कारण कई दफ़ा क्या होता है कि जो बर्फ़ के कारण यहाँ जो बीमारियाँ होती हैं उसकी वजह से कैजुअल्टी होती है या फिर जो दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है जो गोलियों के कारण वो कैजुअल्टी हो सकती हैं, लेकिन आपको नीचे लेकर आना है क्योंकि जो इलाज की पूरी सुविधाएं हैं वो तो नीचे ही मौजूद हैं। अब ऊपर से अगर नीचे की तरफ और किसी तरीके से लाने की कोशिश की जाए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इस तरीके से अपनी स्कीज पर ये जवान पूरी तरह से संतुलन बनाते हुए कैजुअल्टी की इवैक्यूएशन यानी कि किसी भी व्यक्ति जिसे ज़रूरत है मेडिकल एड की उसे नीचे ला सकते हैं। हॉज की टीमें स्कीइंग और स्नो स्कूटर्स के साथ आधुनिक प्रशिक्षण हासिल किए होती हैं और उन्हें इन मामलों में बहुत उपयोगी माना जा सकता है। स्कीइंग के जरिए अगर किसी साथी को ऊंचाई से नीचे लाया जाता है तो सबसे अधिक समय की बचत होती है और तब उम्मीद ये की जा सकती है कि वक्त पर इलाज मिलेगा, जान बच जाएगी। ये पहाड़ की जो चोटी है वहां से अगर आप बिना स्की के नीचे आएंगे तो आपको कितना समय लग जाएगा? लगभग 3 से 4 घंटे लग जाएंगे हम। अच्छा। आराम से। और ये अभी आप स्की से आए हैं तो आपको कितना टाइम लगा? तो 5-10 मिनट में आराम से डाउन हो सकता है। इतना फर्क है? इतना फर्क है।
जो सुरक्षा दल अपने साथियों की खोज में निकले होते हैं उनके लिए भी स्थितियां पूरी तरह से अनुकूल नहीं होती हैं। कई बार वो खुद हादसे का शिकार बन सकते हैं। ऐसे में खुद की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपना काम करना पड़ता है। बर्फ में सब सफेद में है लेकिन आपकी टीम ने ब्लैक पहना है। हमारा टीम भी ब्लैक भी हो सकता है और वाइट वाले ड्रेस में भी पहनते हैं। अच्छा। तो ये इसलिए है कि ये ज़्यादा पोर्टेबल क्लोथिंग है और इसमें अवलांग हमने पहना हुआ है। यदि हम खुद अवलांग के शिकार हो जाएं तो इसकी मदद से हम बच सकते हैं। तकनीक के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत आसान हो जाती हैं, लेकिन उन सहूलियतों के लिए भी आपको वो परिस्थितियाँ चाहिए। वो परिस्थितियां अगर आपके सामने पेश आए और इस तरह के स्किल्स में आप पूरी तरीके से ट्रेंड हो तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से और किन परिस्थितियों में, चाहे स्कीज हो या फिर इस तरह के स्नो स्कूटर्स हो, कितनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा जा सकता है, जो कि कई दफा जब हम युद्ध की परिस्थितियों में देखते हैं तो उसकी बहुत गुंजाइश महसूस होती थी। से 1997 तक पाकिस्तान से 4 और चीन से 1 युद्ध लड़ चुके भारत ने हर युद्ध के बाद सबक लिया और खुद को मजबूत बनाया। तकनीक ने पहाड़ों की जटिलता को कम करने के प्रयास भी काफी किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत काम होना बाकी है। दुश्मन की गोलीबारी से ज्यादा हमने अपने जवान बर्फीले तूफानों में खोए, लेकिन हौज जैसे स्कूल ने हार नहीं मानी, कोशिशें निरंतर जारी। इस ट्रेनिंग का एक और अद्भुत पहलू है और वो है कि अगर ट्रेनिंग पाए जवान सरहदों पर जाते हैं तो इन्हीं में से निकले जवान विंटर ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, जिसके लिए उन्हें दिन रात प्रशिक्षण दिया जाता है। विंटर ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हाँ जी मैम, मैं 2014 में विंटर ओलंपिक खेला हुआ सूची में 2014 में। तो मैं ऐसे तो फ्री स्टाइल का एथलीट हूँ और मुझे मैंने उधर क्लासिक में पार्टिसिपेट किया 15 किलोमीटर क्लासिक। सरहद की निगहबानी या फिर देश का नाम रोशन करना, ये वो खेल की वो टीम है जो दुनिया में हर मंच पर जाकर पदक हासिल करके भारत का नाम रोशन करती है। और इसीलिए अगर एक पहलू अद्भुत का यहाँ पर ये है कि किस तरीके से देश की रक्षा में ये मतवाले तैनात रहते हैं, दूसरा पहलू ये है कि किस तरीके से तिरंगा सबसे ऊंचा लहराता रहता है हमारा। हजारों फीट की ऊंचाई पर तैनात जवान जिन परिस्थितियों का सामना करते हैं उनका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, उनके बारे में सिर्फ सोचा जा सकता है, लेकिन उसको सहने के लिए पराक्रमी शूरवीर किस तरह अपने शरीर को ही मशीन में बदल देते हैं, इसकी कल्पना करना भी संभव नहीं। जिन हालात में वो निडर निर्भीक होकर डटे रहते हैं वो अद्भुत है, अविश्वसनीय है और कल्पनीय है। इस बर्फ से ज्यादा अद्भुत, इन चुनौतियों से ज्यादा अविश्वसनीय और इनकी प्रतिभा से ज्यादा अकल्पनीय है इनका जज्बा, जिससे हमने आपका परिचय कराया। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह और हिमांशु शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।